नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं हरियाणा के अंदर, हरियाणा में पलवल के अंदर हैं और वहाँ के बहुजन समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं पंकज जी। पंकज जी, आपके ऐसे न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद। पंकज जी, एक बात बताइए, आप हरियाणा से हैं, हरियाणा की राजनीति से बहुत अच्छी तरह पारिक हैं, तो अभी जो ये चौटाला की और बहन कुंवारी मायावती की BSP की जो सरकार का गठबंधन हुआ है, इससे हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? जी, इनेलो और BSP की जो गठबंधन है, इससे हरियाणा को बहुत उम्मीदें हैं और इसके राज्य में बहुत फर्क पड़ेगा। अभी तक जितनी भी सरकारें हरियाणा में रही हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे BJP की हो, उन्होंने शिक्षा के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर हरियाणा के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया है और वो अपने हित साधने में लगे रहे हैं। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही हो या फिर मनोहर लाल खट्टर की सरकार रही हो, और खासकर BJP ने निचले तबके के लिए कुछ नहीं किया है। वो दलित विरोधी दिखते हैं और उन्होंने जो तानाशाही निर्णय लिए हैं, उससे हरियाणा को बहुत ही विकास पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और कुमारी मायावती जी और चौटाला जी का जो गठबंधन होने जा रहा है, उससे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि कुमारी मायावती का जो उनका जो बैकग्राउंड है वो दलितों में से है, इसलिए उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया है। और खासकर UP में जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और जिन्होंने UP में योगदान किया है, गुंडा राज खत्म किया है और जो सुशासन वहाँ पर लागू किया है, उसे देखते हुए यह लगता है कि शायद हरियाणा में भी अब अच्छे दिन आने वाले हैं। और वाकई में अच्छे दिन आने वाले हैं, ना कि जुमलों की तरह जैसे BJP कहती आई है ऐसे अच्छे वाले दिन नहीं, बाकी सचमुच में अच्छे दिन आने वाले हैं। आप थे हमारे साथ पंकज जी, जो बहुजन समाज की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिन्होंने बहुत सारे इलेक्शनों के अंदर काम किया है बहुजन समाज के लिए। SME से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।